हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा है कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाला हूँ कि आपके कोई भी वीडियो जैसे डिलीट हो जाता है या इंटरनल खाली करने वक्त आपको फ़ोटो या वीडियो डिलीट हो जाता है, तो फ्रेंड आपको उसके लिए क्या करना चाहिए जो आपके फ़ोटो और वीडियो कभी डिलीट नहीं होगा और इंटरनल भी नहीं भरेगा। क्योंकि फ्रेंड मैं जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ उससे नहीं आपको फ़ोन मेमोरी भरेगा या नहीं तो HD कार्ड आप पहले से मोबाइल में लगा के रखे हैं वो भरेगा। क्योंकि फ्रेंड मैं जो बताने वाला हूँ उसमें ऑलरेडी पहले से ही 15 GB रहता है जिसे आप फ़ोटो बैकअप कीजिए या वीडियो बैकअप कीजिए, इससे आपका कुछ भी फ़ोन का स्टोरेज फुल नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड सबसे पहले अपने गूगल फोटो को ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार आपके सामने फ़ोटो लिखा के और इस प्रकार आइकन रहेगा, तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा फ़ोटो वीडियो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड क्योंकि मेरा एक भी फ़ोटो और वीडियो बैकअप नहीं हुआ अभी तक, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपके ईमेल शो होने लगेगा। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी शो होता होगा। तो फ्रेंड नीचे में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा बैकअप स्कैन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे बैकअप स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, इसे डिसेबल होगा, इसे हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद फ्रेंड आपको जितना ईमेल इसमें लगा रहेगा वो पूछेगा कौन से करना चाहिए। चलिए फ्रेंड मैं अपना ईमेल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड नीचे आ जाएंगे, नीचे लिखा रहेगा बैकअप ऑफ द डिवाइस फोल्डर, तब फ्रेंड इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप जिस भी फाइल फोल्डर में अपना फोटो और वीडियो को चाहते हो कि मैं बैकअप करके रख लूँ, तो फ्रेंड इसे हम इनेबल कर देंगे। जैसे आपको करना है डाउनलोड में, डाउनलोड PDF में, तो उसे इनेबल कर देंगे। एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट वीडियो, इमेज, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, नोटिफिकेशन, Paytm, आप जिसको भी वीडियो डॉक्यूमेंट, WhatsApp डॉक्यूमेंट, WhatsApp इमेज, फ्रेंड आप जिसको भी चाहते हो कि मैं इसे इस फोटो और वीडियो को बैकअप करके रख लूँ वो कभी नहीं डिलीट हो पाए, तो फ्रेंड आपको यहाँ से सबको इनेबल करना होगा। तो फ्रेंड सबको अगर इनेबल कर देंगे तो अगर आप गैलरी से उस फोटो को उड़ा भी दोगे तो फ्रेंड यहाँ पे रहेगा, कभी नहीं यहाँ से उड़ेगा। तो फ्रेंड आप जिस चीज फाइल या फोल्डर को करना चाहते हो कर लीजिएगा फ्रेंड अपना। तो ये करने के बाद फ्रेंड हम सिंपली कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो। तो फ्रेंड ये सब मेरा वीडियो बैकअप होने लगा है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड आप किसी भी इमेज और किसी भी वीडियो को बैकअप कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड मेरे में बहुत ही पुराना फ़ोटो है जो 2014-15 का फोटो था फ्रेंड, वो भी डिलीट नहीं हुआ है अभी तक मेरे इसमें से फ्रेंड, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही पुराना फ़ोटो वीडियो सब बैकअप करके रखा हुआ हूँ। क्योंकि फ्रेंड 2012-2013 के फोटो सब पूरा मेरा इसमें बैकअप करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि आप भी पूरा वीडियो और फ़ोटो को बैकअप कर ले, क्योंकि फ्रेंड जब भी आप पुराने फ़ोटो देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, कभी नहीं उड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।